है, लोड होगा तो मेरे पास मुझे सारी चीज़ें नज़र आएंगी। एक्सकोड हम ओपन कर रहे हैं। एक्सकोड है, ठीक है। मैं शुरू से तुम लोगों को बता देती हूँ जो कमांड वाला है जो रहेगा हमारे पास। क्रिएट अ न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लेते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कमांड लाइन, और इसको हमने किया नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कह दिया मेरे पास है जीरो वन, ठीक है। नेक्स्ट करा, बात ये कि हमें इसे स्टोर कहाँ करना है। मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट्स में जाओ या हम एक कोई न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फोल्डर, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया 1808B1, ठीक है। क्रिएट करा। अब मैंने कहा कि इस फोल्डर के अंदर मुझे चीज़ें जो है वो सेव करनी, तो मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया और मैंने उस पर क्रिएट कर दिया। तो जो भी मैं फाइल क्रिएट करूँगी अब मेरी इस फोल्डर के अंदर जाके क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया मेन स्विफ्ट। ये हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन के लिए होती है, जो हम कंसोल पे काम कर रहे होते हैं। देखो आपको बहुत सारी चीज़ें तो खैर याद भी होंगी, ठीक है। हमें अगर कुछ प्रिंट कराना होता है तो हम प्रिंट लिख रहे होते हैं, इम्पोर्ट कराना है इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, कोई वेरिएबल लेना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कवरअप करनी है दोबारा से। कोई सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं हम, कोई भी अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं और हम उस अगर काम करते हैं तो हम किस तरीके से काम करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें करनी हैं, तो कितना परसेंट जो है वो आप लोग को। हम जो वेरिएबल लेते हैं वो दो तरीके से लेते हैं, एक लेट से लेते हैं और एक VAR से लेते हैं, ठीक है। लेट से जो हम लेते हैं वो बेसिकली हमारा कॉन्स्टेंट हो जाता है, और जो VAR से लेते हैं वो बाद में हमारा मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया नंबर वन, इसकी अगर तुम्हें डेटा टाइप बतानी है तो तुम यही डेटा टाइप बता सकते हो कि भाई इंटीजर है, वरना खुद भी अगर आप यहाँ पे नंबर दे दोगे तो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया कि भाई ये इंटीजर और इसकी वैल्यू जो है वो 15 है। फिर मैंने कहा एक और वेरिएबल है मेरे पास, उसका नाम है नंबर टू है, और इसकी डेटा टाइप भी क्या है, इंटीजर, और इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास 7 है। बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा कि मुझे जो प्रिंट करना है वो इन दोनों का सम प्रिंट करना है, तो मैंने प्रिंट करने के लिए कहा द सम ऑफ, ठीक है। ये पता है आपको, वैल्यू लिखने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाते हो, स्लैश और ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पे नंबर वन इस तरह देते हो एंड नंबर टू इज कॉलन स्लैश, ठीक है। अब मैं यहाँ कह सकती हूँ नंबर वन प्लस नंबर टू, क्या भाई इन दोनों का क्या कर दो, सम अप कर दो, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ पे जो है वो रन करा, रन करने के बाद ये अब तक जो हमने वैल्यू ली है वो हार्ड कोडेड ही ली है, ठीक है। अब ये कंपाइल हो रहा है, ठीक है। कंपाइल होने के बाद ये रन करेगा, ठीक है। रन में डिस्प्ले में नहीं आ रहा तो हमारे पास ये हाइड हुआ हुआ है इसलिए, ठीक है। द सम ऑफ 15 एंड 7 इज 22, इसने मुझे आंसर दे दिया। अब रहा सवाल ये कि यही नंबर्स, अब हम ये तो मैं कह रही हूँ कि मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि भाई मुझे ये जो नंबर है वो मुझे यूज़र से लेने, किससे लेने,
यूज़र से लेना है, समझ में आई बात? अब यूज़र से लेने के लिए ऊपर मैं क्या करूँगी भाई, एक प्रिंट करवाऊँगी, ठीक है। प्रिंट में मैं यहाँ लिखूँगी भाई एंटर, फर्स्ट नंबर, ठीक है, इसी तरह। और इधर मैं लिखूँगी प्रिंट के अंदर एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इस वाली 15 की जगह पे मुझे रीड लाइन लिखना है, ठीक है ना? कंट्रोल जेड, विंडो जेड, यहाँ पे लिखना है, एक मिनट। ये रहा मेरे पास, ठीक है। अब ये इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ रीड लाइन, क्योंकि ये है मेरे पास क्या चीज़ है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्ट्रिंग SFI जो है वो इसमें कन्वर्ट नहीं होता। मैंने अब यहाँ लगाया और इस चीज़ को भी हमने इंटीजर के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सही है, इस तरह। अब ये हो गया मेरे पास रिजॉल्व। इसी चीज़ को कॉपी करके मैंने 7 पे भी देना है, इधर 7 की जगह पे भी देना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब वेरिएबल की जगह आप चाहो तो यहाँ पे लेट भी लगा सकते हो। फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 23 और मैंने यहाँ लिखा 6, ठीक है। दोनों का सम क्या हुआ, 23 6 क्या हुआ मेरे पास, ऐड होके मेरे पास क्या आ गया, 29। तो हमें करना कुछ नहीं होता, हमने सिर्फ इन वेरिएबल्स के ऊपर एक लाइन प्रिंट की लगा दी और इनकी वैल्यू की जगह पे आपने ये लिख दिया कि भाई इनकी वैल्यू जो है वो यूज़र एंटर करेगा, ठीक है। अब इंटीजर है तो इंटीजर के लिए मैंने इंटीजर के अंदर जैसे पार्ट्स करते हैं ब्रैकेट्स में, वैसे ही पार्ट्स कर दिया, लेकिन इसके साथ इनकी एक्सप्लेनेशन मार्क्स आता है डिफ़ॉल्ट उसके लिए, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो वो फिर वो एरर देगा कि भाई स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये वाली चीज़ होती है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से आप यूज़र से इसमें पूछ भी सकते हो कि भाई आपको एडिशन ही कराना है या सब्ट्रैक्शन कराना है या वो कराना है, मल्टीप्लिकेशन करानी है। तो हमारे पास सेम यही प्रोसेस होता है कि भाई हमें कुछ पूछना है, ठीक है। दो नंबर ले लिए हमने, इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई प्रिंट में सेलेक्ट ऑपरेटर विच यू वॉन्ट टू परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया कि भाई जो हमारे पास सिलेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है, प्लस है, सही है, माइनस है, मल्टीप्लाई के लिए स्टारिक है हमारे पास, एंड स्लैश हमारे पास डिवाइड है, ठीक है। अब ये जो भी सिलेक्ट करेगा, ठीक है, अब यहाँ पे किसने सेलेक्ट करना है, यूज़र ने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ हम सिंपल दे सकते हैं वेरिएबल, ठीक है, OPR ऑपरेटर, बेसिकली ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ना भी लिखूँ तो भी बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू डायरेक्ट रीड लाइन, ठीक है। इसके लिए वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये होता है कि डायरेक्टली आप यहाँ लगा देते हो भाई ये रीड लाइन है। अच्छा, ओके, ये लगा दो, ठीक है। अब मेरे पास ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर आने के बाद देखो, अब यहाँ पे ये पूछेगा तो ऑपरेटर, लेकिन अभी मैंने इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो ये मुझे डायरेक्टली जो है वो क्या करके दे रहा होगा, प्रिंट ही करके दे रहा होगा। तो मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ 4 और ये 7, तो अभी इसने मुझसे ऑपरेटर पूछा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टैरिक लूँ या कुछ भी लूँ तो ये मुझे देगा भी एडिशन ही, क्यों, क्योंकि मैंने इसको यहाँ कहीं पे बाउंड नहीं किया और रोका हुआ भी नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए मेरे पास डिपेंड करता है कि मैं ये काम इफ से कर लूँ या स्विच केस से कर लूँ।
आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इफ़ लगाते हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पे ये डिफ़ाइन करते हो कि भाई इफ़ के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या काम है और मैं क्या चीज़ चेक कर रही हूँ। अब मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि भाई जो मेरा ये ऑपरेटर है, ठीक है, वो इक्वल्स टू किसके है। सपोज मैंने कहा स्टारिक है, तो यहाँ पे किसका काम होगा, ठीक है, इस तरह है कि प्लस है तो यहाँ पे किस चीज़ का काम होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी है भाई। प्लस है एक, अगर ठीक है, इसके नीचे आ जाओ एल्स इफ। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास माइनस हो गया, फिर एल्स इफ, ठीक है, और हो गया मेरे पास मल्टीप्लाई का, सही है। इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे हम, मतलब मल्टीपल मल्टीपल हम चेक कर रहे हैं। एल्स, और ये हो गया मेरे पास डिवाइड का, ठीक है। तो ये वाली जो मेरे पास लाइन थी वो प्लस के लिए थी, वो मैंने यहाँ लिख दी। माइनस के लिए भी यहाँ लिखूँगी। अब ये सम नहीं होगा, ये यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरीके से वो यहाँ पे भी पेस्ट होगी, और यहाँ पे हमारे पास फिर वही आ जाएगा कि सम नहीं है, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास सिंबल है, ठीक है, वो मेरे पास स्टारिक लग जाएगा। सम को मैं हटा के यहाँ एडिशन कर देती हूँ, और लास्ट हमारे पास है डिवीजन, और हमने यहाँ पे इसको फ्लश लगा दिया। और एल्स के अंदर आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो एरर प्रिंट कराने के लिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं रॉन्ग ऑपरेटर सिलेक्शन, रॉन्ग ऑपरेटर सिलेक्शन, सही है, इस तरह। अब हम इसको चला लेते हैं। अभी मैंने ये जितना भी काम किया वो सारा का सारा मैंने इफ पे काम किया, ठीक है। सेम चीज़ को आप स्विच केस में कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे जो है वो यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, द डिवीजन इज, ठीक है, इस तरह आ गया। ठीक है, मैं कह रही हूँ भाई मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन आ गई इसकी। रॉन्ग ऑपरेटर का मतलब है कि मैंने कुछ और गलत सेलेक्ट कर लिया, सही है। लेट्स सपोज 34 है, अब ऑपरेटर में लेट्स सपोज मैंने दे दिया क्वेश्चन मार्क, तो मुझे क्या देगा ये, रॉन्ग ऑपरेटर सिलेक्शन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि इन्हीं चीज़ों को अगर हमने स्विच केस में कन्वर्ट करना है, स्विच केस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हम अब इफ को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्विच केस, ठीक है। स्विच केस में होता यह है कि आपने रिप्लेस करना है ना, इधर मैं ऊपर लिख रही हूँ, मैंने कहा मुझे स्विच केस किस चीज़ का देखना है, ऑपरेटर के लिए देखना है, ठीक है। और मेरे पास ये ब्रैकेट है, मतलब स्विच केस में आप चेक क्या करोगे, कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी है। मैंने कहा भाई मुझे ऑपरेटर चेक करना है, ठीक है। तो मेरे पास जो केस है वो बेसिकली है क्या, यानी आप केस बताने जा रहे हो कि जो आपका केस है
वो बेसिकली क्या है, किसके इक्वल है, प्लस है, माइनस है, क्या है। तो हमारे पास जो केस होता है ना, नॉर्मली हम जो लिखते हैं कि भाई अगर मेरे पास ये प्लस है तो मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। इसी तरीके से मेरा दूसरा केस है, ठीक है, वो मेरे पास क्या है, माइनस है, तो मुझे इसके आगे क्या करना है, मतलब ऑपरेटर की वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पे। केस है मेरे पास ठीक है, और केस है मेरे पास यहाँ पे डिवाइड, सही है। तो मेरे पास ये वाले जो है वो केसेस हैं, और मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि मुझे डिफ़ॉल्ट की बात करनी है, तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की भी बात कर सकते हैं। अब रहा सवाल ये, अच्छा ये तो ये यहाँ पे मुझे एरर देगा कि भाई ये आगे तो कुछ आपने शुड नॉट बी वन एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट, यानी आप कुछ लिखो तो इसके आगे। तो हमारे पास जो लिखना है वो हमें लिखना नहीं है, बेसिकली हमें ये वाला काम पेस्ट करना है, ठीक है। तो जो प्रिंट वाला काम है वो मैंने कहा कि भाई ये है, एक मिनट, सी विंडो, सी विंडो वी, बार बार हम इसमें से बाहर आ जा रहे हैं। दूसरा केस हमारे पास है नीचे विंडो सी देन विंडो वी, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई का है, विंडो सी विंडो वी, इसके बाद हमारे पास है ये वाला लास्ट विंडो सी देन विंडो वी। अब हमारे पास बचता है ये रॉन्ग ऑपरेटर, यानी डिफॉल्ट का मतलब वही है जो एल्स वाला होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लगा देंगे इधर डिफॉल्ट पे, सही है। अब ये वाला जो मेरा काम था ना, अब मैंने इस पर कोई काम नहीं करना, मुझे इसको यहाँ से हटाना है, ठीक है। स्लैश स्टैटिक करके जहाँ तक हम जो मल्टीपल लाइन कमेंट करते हैं, इस तरह हम इसको कमेंट कर सकते हैं, सही है। मल्टीपल लाइन कमेंट्स करने के लिए का तरीका यही होता है, स्लैश स्टैटिक जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ एंड करना है, स्टैटिक स्लैश करके वहाँ पर एंड करना है, फिर ये हमारे कोड का पार्ट नहीं रहता। अब मेरे पास तुम देख सकते हो जो इफ़ और एल्स इतनी सारी चीज़ें थी, अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म में आ चुकी हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और नाउ हम इसको रन कर लेते हैं, सही। फाइव एंड फोर एंड देन प्लस, ठीक है, एडिशन है, सेम वही काम करते हैं, सेम प्रोसेस है, ठीक है। इफ़ और एल्स एज़ कम्पेयर टू स्विच केस, स्विच केस ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा होता है, सही है, एज़ कम्पेयर टू इफ़ और एल्स, अगर सेम उसकी वैल्यूज़ आपने देखनी होती है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है वो इस नए लाइन ऑफ कोड की जगह हम शॉर्ट स्विच केस पे काम कर लें, ठीक है। दोनों की वर्किंग एक ही है, चाहे आप इससे करो चाहे आप उससे करो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन ये सेम चीज़ अगर एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज चेक करनी होती है तो हम स्विच केस में कर रहे होते हैं, सही है। यहाँ तक किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है?
नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है, इसी के अंदर हमने रखना है क्रिएट। मेन फिफ्थ मैं आप बता रही हूँ कोई फॉर का लूप, ठीक है, कि हमें फॉर का लूप हमें किस तरह चलाना है और क्या काम करना है। तो भाई फॉर का लूप के लिए हमारे पास होता ये है, फॉर लगाया, आई, ठीक है, एन ज़ीरो थ्री, ठीक है, और प्रिंट आई, इन्वर्टेड कॉमा में, अगर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है तो डायरेक्टली आई लिख सकते हैं। वैल्यू एक मिनट, वैल्यू ऑफ आई एफ कॉलन, ठीक है, आ रही है मेरे पास जीरो जीरो वन टू थ्री, इसका मतलब है कि चार दफ़ा चल रहा है, सही, जीरो से लेके थ्री इंडेक्स तक की चीज़ें ये चला रहा है। तो ये फॉर का हमारे पास लूप होता है जो हम इसको इस तरीके से चला सकते हैं। अब बात ये थी कि हमारे पास कि अगर हम एरे ले रहे थे तो हम एरे लेके एरे को डिस्प्ले करवा रहे थे, ठीक है, जो हम फॉर लूप से हम करवा सकते हैं। बात समझ में आई? डेट नंबर एरे नंबर एरे 11 34 76 89, ठीक है, जो आपने यहाँ पे देना है आप यहाँ पे इसको दे सकते हो, नंबर्स नहीं है, ठीक है। अब मुझे यहाँ वैल्यू ऑफ लिखनी है या नंबर्स एरे लिखना है, जो भी है, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है या मेरी जो भी इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ नंबर एरे, ठीक है, और यहाँ मुझे वैल्यू चाहिए आई की, ठीक है, इस तरह, और यहाँ भी मुझे जो चाहिए वो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए ठीक है, यहाँ मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए स्लैश नंबर, एक मिनट, स्लैश ब्रैकेट नंबर एरे, ठीक है, और उसके इंडेक्सिंग की आई, इस तरह जैसे हम नॉर्मली डिस्प्ले कराते हैं सेम उसी तरीके से हमने इसमें भी डिस्प्ले कराना है, लेकिन अब ये मेरे इंडेक्स के हिसाब से बताएगा कि किस इंडेक्स के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है। मैंने 89 तक दिया है तो 89 क्योंकि 0 1 2 3 इसके लिए मुझे 4 इंडेक्स तक चलाना है, तो मैं यहाँ पे कहाँ तक चलाऊँगी, 4 तक चलाऊँगी, ठीक है। सही, तो ये सारी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। बात समझ में आई? फॉर का लूप हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा, अगर मैं फॉर इस तरह करूँ, सही है, और
रेंट में जाके सिंपल में वैल्यू लिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी ये मुझे क्या प्रिंट करके देता है। ये जस्ट लाइक का हम कह सकते हैं फॉर ईच है, सही है। इसमें मुझे ये काउंट बताने की ज़रूरत नहीं कि कितने इंडेक्स तक चलाना है, ये डायरेक्टली जो है वो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होगी ना ये सारी उठा के लेके आएगा। मैं इसमें वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ ना, ये तो 4 तक है तो ये 4 तक ही चलेगा, लेकिन अगर मैं इसमें इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, और अब मैं अगर इसे चला रही हूँ तो ये नीचे वाला तो हमारे पास सारी वैल्यूज लेके आएगा, लेकिन ऊपर वाला वहीं तक लेके आएगा जहाँ तक हमने इसकी बाउंड्स दिए हैं। सही है, बात समझ में आ रही है। तो फॉर ईच का फ़ायदा ये होता है कि वो एवरी आइटम उठा के लेके आ जाता है। इसमें हम फॉर ईच लिखते नहीं है, लेकिन ये वर्किंग इसकी ऐसी तरह होती है, ठीक है, कि आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लो जिससे इंडिकेट करना, आई ले लो, जे ले लो, कुछ भी लेना, आइटम लिखना, कुछ भी लिखना आप लिख सकते हो, और इन हम यहाँ पे अपनी लिस्ट का नाम बता देते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। इसके आगे पीछे भी आप वैल्यूज़ वगैरह करवा सकते हो, जो हार्ड कोडेड अगर आपने कुछ प्रिंट कराने तो वो करवा सकते हो, वरना अगर आप एरे के अंदर आप इस तरह देते हो तो फिर ये एक लिमिटेड बाउंड तक होता है कि भाई काउंटर आपको कहाँ से चलाना है और कहाँ पर ख़त्म करना है। सही है, इस वैल्यू में आपको क्या देना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं प्रिंट करके यहाँ पर ये लिख रही हूँ ना वैल्यू ऑफ नंबर एरे, अच्छा इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं आएगी, इसके साथ भी मर्ज करके लिख सकते हो और चाहो तो आप इसके साथ अलग से भी लिख सकते हो, मतलब इंडेक्सिंग के लिए फिर आपको कोई आइट्रेशन या कोई चीज़ इस तरह की अलग से चीज़ें चलानी पड़ेगी। दो दफ़ा मैं प्रिंट लिखूंगी तो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है, इसी के साथ मुझे प्रिंट करवाना है तो मैंने यहीं पर लिख के इस तरह से स्लैश वैल्यू कर दिया, सही है, और इस वाली लाइन को मैंने नीचे कमेंट कर दिया कि भाई अब इसके बजाय हम जो है वो उधर ही डिस्प्ले करा रहे हैं इसी के आगे, ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो। अच्छा, दोनों के बीच में गैप देने के लिए, मतलब लाइन के लिए गैप देने के लिए मैं यहाँ एक प्रिंट लिख रही हूँ स्लैश एन, ठीक है, दोनों के बीच में हमने गैप सा कुछ क्रिएट करना है, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ऊपर वाला लिमिटेड चार से पांच ही वैल्यू डिस्प्ले करेगा क्योंकि इसकी बाउंड इतनी है, नीचे वाली ऑल वैल्यू डिस्प्ले करेगा क्योंकि इसकी बाउंड डिफरेंट है, ठीक है। इंडेक्स 1, 2, 3 अगर आपको यहाँ पे इसके साथ डिस्प्ले कराना है इधर, ठीक है, यहाँ अगर मैं कहूँ कि भाई यार मुझे इंडेक्स वगैरह भी डिस्प्ले कराना है तो आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो, वेरिएबल आई कॉलन इंटीजर इज इक्वल टू 1 दे दो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम जो प्रिंट करा लेंगे वो स्लैश आई की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, अच्छा, या 0 से स्टार्ट कराना है इंडेक्स को 0 से ले देना, ठीक है, या वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी मर्जी है, और एवरी टाइम यहाँ पे जिस तरह हम करते हैं ना भैया आई प्लस प्लस, ठीक है, नाउ लेट्स सी। अच्छा, उन्होंने स्विफ्ट 3 से इसको रिमूव कर दिया, ओके, कोई मसला नहीं है, आई इज़ इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है, ज़ीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सही है, बात समझ में आई। अच्छा, इसको मैंने लेट क्यों नहीं किया, इसका भी मैं जवाब दे दूँ, अगर मैं इसको लेट करूँगी और मैं अब इसको चलाती हूँ, ठीक है, तो ये वापस इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो कहेगा जो इसकी वैल्यू है वो है, अब आप इस वेरिएबल कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते,
बात समझ में आ रही है? इस वैल्यू को इसलिए मैंने वेरिएबल बनाया, ऊपर लेट एरे में इसलिए दिया क्योंकि एरे की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही कहीं आगे जाके। समझ में आई बात? सही है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आई होप होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने एक ही उसमें आपको लेट वेरिएबल का डिफरेंस भी बता दिया फॉर का, और यहाँ पे मैंने आपको फॉर ईच का भी बता दिया है। ठीक है, नाउ आप इसको कर लो। डेटा टाइप्स ही है, डेटा टाइप्स के अंदर हमें टाइप इलियास की बात करनी है। तो टाइप इलियास के अंदर पहले आप तो एक कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं, उसके बाद आप उसकी टाइप बताते हैं। लेट सपोज मैंने कहा मेरे पास है टाइप, ठीक है, अलाइस। ठीक है, टाइप अलाइस है मेरे पास। टाइप अलाइस में वो फिर वो आपसे पूछता है, तो मैंने भाई नेम में इसका ये बता दिया है कि जो इसका नाम है ना वो मेरे पास है फीट। ठीक है, और इस तरह मैंने कह दिया ये मेरे पास है डेटा टाइप है इसकी इंटीजर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने पास एक कोई भी वेरिएबल बना सकती हूँ, ठीक है, जिसकी डेटा टाइप मुझे इंटीजर रखनी है, जो भी रखनी है। अब मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल है डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना, और ये डिस्टेंस किसके अंदर है, फीट में। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, मैंने कह दिया भाई वो 100 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्या करा सकती हूँ भाई, प्रिंट करवाना है मुझे, क्या प्रिंट करवाना है, डिस्टेंस प्रिंट करवाना है। सही है, बेसिकली मैंने कहा डिस्टेंस है क्या मेरे पास, फिट में। ठीक है, और ये फिट बेसिकली क्या है, इंटीजर है, तो इसे हम टाइप अलियास कहते हैं। मतलब आप इधर डेटा टाइप भी बता रहे होते हैं, लेकिन डेटा टाइप इनडायरेक्टली हम बता रहे होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, तो ये प्रिंट हमें 100 ही करेगा। ठीक है, अब इसके आगे पीछे आप जो चीज़ें लगानी है वो आप लगा सकते हो। इसका जो हमारे पास देखो बेनिफिट हमारे पास ये है कि मतलब देखने से हमें ये पता चलता है कि भाई हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास फिट में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। ये एक जस्ट फॉर आपने एक इंफॉर्मेटिव टॉप पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर हमारे इसमें iOS के अंदर एक टाइप एलिसिस होता है जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे डिस्टेंस इंटीजर नहीं लिख सकते ना। डिस्टेंस डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, या तो मीटर्स में दिया हुआ होता है, या तो हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है, मतलब दो जगह के बीच का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है, इंचेस में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ना डिफाइन करने के लिए वेरिएबल्स को बता रहे होते हैं कि यार हमारा जो डिस्टेंस है ना वो बेसिकली फिट है। अब जो ये फिट की वैल्यू है ना वो इंटीजर है, डबल भी हो सकती है ना, हम डबल भी लिख सकते हैं कि भाई पॉइंट वैल्यूज़ है। सही है, तो बेसिकली हम इसको इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं कि है तो ये फिट की बात कर रहे हैं, हम सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं कर रहे, मतलब इसका यूनिट क्या है, ठीक है ना, डिस्टेंस का। तो हम बेसिकली बात हम इस तरह ही कर रहे होते हैं, लेकिन हम साथ में ये बताते हैं कि ये किस तरह का डाटा एक्सेप्ट करेगा। तो ये टाइप एलालिसिस में हम इसको काम कर रहे होते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस फीट इज कॉलन इस तरह। अच्छा, मैं अब इसको कर दूँ डबल। ठीक है, डबल मींस क्या है, हमारे पास पॉइंट वैल्यूज है। ठीक है, अभी दिया तो मैंने 100 ही है, सही है, लेकिन वो डिस्प्ले किस में करेगा, क्योंकि आगे क्या सपोज करेगा, वो 0 सपोज करेगा। ठीक है, ये प्ले प्ले ये यहाँ से मेरा, ठीक है, ये वाला प्ले का बटन है। इनकी शॉर्टकट की ज़रा मुश्किल से ही चलती है विंडो, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं चला रहे ना, ये विंडो की की से चलती हैं। तो ये विंडो सी से कॉपी हो रहा है, विंडो वी से पेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह है, तो ज़रा इस वर्चुअल मशीन के ऊपर ज़रा शॉर्ट की ज़रा मुश्किल से चलती है। सही है, जैसे F5 है इस तरह, वैसे F5 हमारे पास रन के लिए होता है। ठीक है,
सही। ये मैंने टाइप एलालिसिस बताया है कि भाई ये टाइप एलालिसिस में हम इस तरह इसको दे सकते हैं, डब पॉइंट वैल्यू देनी है, फ्लोट देना है, आप फ्लोट भी इसको दे सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, एक और होता है हमारे पास जो होती है वो टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैंने एक अगर टाइप दी, जैसे मैंने इंटीजर वैल्यू दे दी है, तो मैं वापस उस वैल्यू को चेंज करके उसको स्ट्रिंग नहीं कर सकती। जैसे मैंने नॉर्मली आपको एक बात बताऊँ कि भाई मेरे पास यहाँ एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल में मैंने कहा था ना कि वेरिएबल लेट सपोज के, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने कह दिया यहाँ पे 15 है, ठीक है। अब मैं यहाँ के इज इक्वल टू, ठीक है, 90 कह के, और मैं अब अगर प्रिंट करवाऊँ क्या चीज़ के, ठीक है, तो ये मैं बताऊँ मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करके देगा, 15 प्रिंट करके देगा या 90 प्रिंट करके देगा, ठीक है। क्यों अपडेट कर दिया ना मैंने, ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, अब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रही हूँ ना भाई, चेंज कर दी ना मैंने, मॉडिफाई कर दी। एक दफ़ा हम वेरिएबल के साथ ये लिखते तो ये तो एक दफ़ा इनिशियलाइज हो गया ना, तो दोबारा थोड़ी इनिशियलाइज करूँगी मैं भाई। देखो मैं अगर ये नंबर एरे बना चुकी हूँ ऊपर लेट करके, तो जहाँ मैं यूज़ करूँगी मैं वहाँ पे थोड़ी लेट लिखूँगी, बात समझ में आ रही है। अब मैंने मॉडिफाई करी है, तो अब अगर मैंने मॉडिफाई किया है तो जाहिर सी बात है मुझे जो सेकंड वैल्यू मैंने असाइन करी है ये वो देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सेकंड वैल्यू में इसकी कह दूँ ये इन्वर्टेड कॉमा में दे दूँ, किस में दे रही हूँ मैं, इन्वर्टेड कॉमा में, ऊपर मैंने 15 दी है इंटीजर और नीचे मैं क्या दे रही हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। हाँ कह रहा है कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू टाइप इंटीजर, यानी ऊपर उसने उसको एज अ इंटीजर सेट कर लिया है, अब वो इसको एज अ सपोज नहीं करेगा, सही है। अगर आपने वैल्यू चेंज ही करनी है तो आपने इसको इंटीजर ही वैल्यू देनी है, अगर आप इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू दोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं ये टाइप सेफ्टी है, सही है। हाँ अब इसके लिए अब मैं बता रही हूँ, ये तो मैंने हार्ड कोडेड काम किया है, हार्ड कोडेड काम किया है ना। अब मैं अगर यहाँ पे कह रही हूँ भाई प्रिंट एंटर वैल्यू, सही है, मैंने कहा वैल्यू एंटर करो, 10 मिनट में मीटिंग डिसकनेक्ट होगी, वापस कनेक्ट होना है। इस 15 की जगह पे मैंने कह दिया भाई जो भी आएगा वो एक इंटीजर होगा, सही है, रीड लाइन, ठीक है, और मैंने ये लगा दिया, बात समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट मैं यहाँ कह रही हूँ मॉडिफाई वैल्यू, ठीक है, मॉडिफाई वैल्यू, पहले वैल्यू मैंने ली और अब मैं कह रही हूँ मॉडिफाई करो, बात समझ में आ रही है। अभी हम सिंपल सिंपल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट लेने का तरीका वही है। अब इसने मुझे यहाँ पे लिखा वैल्यू एंटर करो, लिखा हुआ रहा है, मैंने कह दिया वैल्यू मेरे पास 20, जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 20 या 3 है, या सिंपल 3 वैल्यू है। अब मॉडिफाई वैल्यू मैंने लिखा 7, तो के की वैल्यू क्या आई मेरे पास 7 आई, आ रही है ना। अब मैं यहाँ ज़रा एक हार्ड कोडेड भी दे दूँ ताकि मुझे पता चले के
वैल्यू ऑफ के इज स्लैश के, ठीक है, इस तरह। अब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा, ठीक है। अब मैं आपको टाइप सेफ्टी बता रही हूँ, इसके अंदर मैंने वैल्यू दी यहाँ पे 7, ठीक है। एक मिनट, ये एंटर ही हो गया, हाँ टाइप नहीं हुआ, स्टॉप। यहाँ मैंने दिया इसको 7, एंटर किया। मॉडिफाई में मैंने लेट सपोज ए बी सी लिख दिया। अब इसने मुझे क्या दिया, एरर दिया ना एरर। अब इसने बोला फैटर अनएक्सपेक्टेड ऑप्शनल वे, ठीक है, यानी अनएक्सपेक्टली आप उसकी टाइप चेंज नहीं कर सकते, सही है। मैंने क्या किया ना, टाइप चेंज वैल्यू दे दी, ठीक है। उसने बोला कि नहीं, ऊपर वो इंटीजर है और ये इंटीजर ही वैल्यू है, तो आप इसकी टाइप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे कि मैं इसकी टाइप चेंज कर दूँ। समझ में आई बात? इसे हम कहते हैं टाइप सेफ्टी, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है। नहीं नहीं ये डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंपल रीड लाइन भी करती हूँ ना, इस तरह, ये देखो, ठीक है। और मैं अब इसको चलाती हूँ, यानी मतलब इसको अगर मैं यहाँ पार्स नहीं कर रही, ठीक है, पार्स नहीं करी, तो तब भी वो कहेगा कि स्ट्रिंग और इसके बीच में डिफरेंस है, ठीक है, इसको करो, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है। इधर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। इसको मैंने प्रिंट कराया ए को, ठीक है, ये नॉर्मली मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू, मतलब मैं डेटा टाइप आगे नहीं डिफाइन कर रही, ठीक है, कि मैंने इंटीजर लिया है क्या लिया है, सही है, सिंपल सिंपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। 3.45 दिया है मैंने, और मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है, बी को, ठीक है, इस तरह। इसी तरीके से मेरे पास वेरिएबल सी है, ठीक है, और इसमें मैंने कहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 प्लस पॉइंट में मैं आगे दे रही हूँ, ठीक है, इस तरह करके, सही है। और मैंने कहा इसको प्रिंट करा दो सी को, मतलब मैं वैल्यूज लेने का तरीका बता रही हूँ। वैल्यूज इस तरह भी ले सकते हो किसी वेरिएबल की, 3 है एंड 4 है, डेटा टाइप कहीं नहीं है, लेकिन मैं जो वैल्यूज को बताऊंगी डेटा टाइप उसी के हिसाब से जो है वो उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास वेरिएबल डी है ए बी सी, ठीक है, और मैंने कहा प्रिंट वेरिएबल डी, ठीक है। वेरिएबल ई है हमारे पास, अच्छा इसमें इस तरह नहीं आता कि सिंगल कोटेशन के लिए मैं अगर इस तरह लिखूं इसमें, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, प्रिंट ई, ठीक है, और इसको चलाते हैं, तो ये यहाँ पे मुझे ना एरर देना शुरू करेगा, ठीक है। एक तो मेरे पास ये आ रहा है, मस्ट कॉन्स्ट्रेन वाइट स्पेस, ओके, बोथ साइड, यहाँ पे स्पेस चाहिए इधर, ठीक है, एक तो ये हो गया, इसके इधर इधर भी मैंने दे दी, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि जो स्ट्रिंग है वो यूज़ करने के लिए आप सिंगल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें अगर आपने करेक्टर भी देना है ना, तो वो सिंगल करेक्टर भी आप इसमें किससे देंगे, डबली कोटेशन यूज़ करेंगे, सिंगल कोटेशन का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बात समझ में आ रही है, ठीक है।
मैं आपको यहाँ डिस्प्ले दिखा देती हूँ। रन हो जाए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ये बता रही थी कि अगर मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है, यहाँ तो इनपुट मांगेगा मुझसे। रन किया है मैंने, ठीक है, 2 6 की वैल्यू होगी। अब जो मेरे पास यहाँ पे जो जो मैंने ली थी, आप अभी यहाँ देख सकते हो 3 3.4, फिर इसने पॉइंट वैल्यू उसको ऐड करा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने मुझे जो है वो ऐड कर करा के जो है वो मुझे यहाँ पे एवरेज एज वेरिएबल्स जैसे हैं उसी तरीके से इसने वेरिएबल्स का मुझे यहाँ पर डिस्प्ले दे दिया है। सही है, इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ें चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो आप वेरिएबल्स के आगे वैल्यू लिखते हो वही वो उसकी डेटा टाइप बना देता है, सही है। और कैरेक्टर के लिए भी आप डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कैरेक्टर लिखोगे, सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं लिखोगे, सिंगल कोटेशन इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता है, सही है।